Hello students, welcome again. Dear ones, we have started a very important topic, narration, and discussed how to change simple and interrogative sentences from direct speech to indirect speech. Today we shall discuss how to change imperative sentences from direct speech to indirect speech. First of all, meaning of imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य नाम से जानते हैं, जिन सेंटेंसेस से हम ऑर्डर, सजेशन, प्रपोजल, प्रोहिबिशन आदि कंसेप्ट कन्वे करते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। क्या पहचान होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस की? इसकी सबसे पहली पहचान होती है कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। जनरली इंग्लिश के सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। इसका सब्जेक्ट यू हिडन रहता है। फॉर एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सेंटेंस ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम ऑर्डर, एडवाइज, सजेशन सेकेंड पर्सन को देते हैं। सेकेंड इसकी पहचान होती है, इसमें प्लीज या काइंडली वर्ड से भी शुरू किया जा सकता है। जैसे हम इसी सेंटेंस में प्लीज जोड़े, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इन द सेम वे थर्ड आइडेंटिफिकेशन डोंट से भी शुरू हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट टीज मी, इस तरह के सेंटेंस जिसमें हम मना करने का कंसेप्ट देते हैं। इन द लास्ट, ये सेंटेंस लेट से भी शुरू हो सकते हैं। लेट भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट मी गो देयर, इस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आइए सीखते हैं किस तरह से इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वॉक इन द इवनिंग। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किस तरह से इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है? तो इन सेंटेंसेस में जनरल चेंजेस के अलावा हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज इस तरह से करते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग उसी वर्ब फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यदि हमें सेंटेंस से ऑर्डर का सेंस मिल रहा है तो हम ऑर्डर वर्ब की फॉर्म में चेंज कर देंगे। यदि रिक्वेस्ट की सेंस मिल रही है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। यदि एडवाइज तो एडवाइज्ड में, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, आस्क्ड। यदि हमें किसी भी सेंस की क्लियर पहचान नहीं हो रही तो हम उसे आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमांडेड, फॉरबेड, जब मना करने का कंसेप्ट होता है, मना करने के लिए हम फॉरबेड वर्ब की फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड, ये भी निषिद्ध करने के लिए यूज करते हैं। हमें रिपोर्टिंग वर्ब जिस फॉर्म में दी है उसी फॉर्म में इन वर्ब का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दी है से, तो हम इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में दी है तो हम इन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोज्ड या सजेस्टेड का यूज करेंगे तो इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। उससे पहले हमें अपनी ओर से टू प्रपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो ये दो वर्ब याद रखेंगे आप, प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें अपनी ओर से टू लगाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज के बाद सेकेंड चेंज, कंजक्शन का यूज। हम जनरल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में टू कंजक्शन का यूज करते हैं, और नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज टू से पहले करते हैं, या हम इसकी जगह पे
फॉरबेड वर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन का चेंज करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इन चेंज के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरल चेंज करते हुए लिख देते हैं। उसमें से प्लीज, काइंडली, सर, मैडम जैसे वर्ड्स हटा देते हैं। तो आइए चेंज करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया है द डॉक्टर सेड टू पेशेंट वॉक इन द इवनिंग। ये एक एडवाइज है जो कि डॉक्टर की ओर से पेशेंट को दी गई है। तो सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे द डॉक्टर। डॉक्टर के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब इस सेंटेंस में एडवाइज का कंसेप्ट है तो हम इसे चेंज करेंगे एडवाइज्ड। यहाँ पे सेड दिया था तो हम एडवाइज की भी सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट पेशेंट। अब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। इनकी जगह कंजक्शन सिंपल टू का यूज़ करेंगे और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से जनरल चेंज यदि कोई है तो करते हुए सेंटेंस लिख देंगे वॉक इन द इवनिंग। इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस द प्रिंसिपल सेड टू पियन रिंग द बेल। तो इस सेंटेंस में हमें ऑर्डर दिया हुआ है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमें सेकंड फॉर्म में दी है तो हम ऑर्डर की सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पियन, इसके बाद हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजक्शन सिंपल सेंटेंस है टू का यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियन टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस लिख देंगे जनरल चेंज करते हुए यदि कोई है, रिंग द बेल। इन द सेम वे थर्ड सेंटेंस द फादर सेड मनोज डोंट डिस्टर्ब मी। तो इस सेंटेंस में हमें मना करने का कंसेप्ट है और मना करने के कंसेप्ट के अलावा हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में दिया है। तो किस तरह से चेंज करते हैं इस सेंटेंस को? तो सबसे पहले द फादर, इसके बाद हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। जैसा कि इस सेंटेंस में नॉर्मल मना करने का कंसेप्ट है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। आस्क्ड के बाद ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे आस्क्ड मनोज। इसके बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है तो हम इसमें कंजक्शन का यूज़ करेंगे और कंजक्शन से पहले नोट का यूज़ करेंगे क्योंकि मना करने का कंसेप्ट है, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है। द फादर आस्क्ड मनोज, तो हमने मनोज को रिपोर्टेड स्पीच से यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया है। नोट टू डिस्टर्ब, अब इसमें हमें प्रोनाउन दिया है मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट फादर, फादर के अकॉर्डिंग ही, और ही से एक्यूजेटिव केस बनेगा हिम। तो ये सेंटेंस हमारा बना द फादर आस्क्ड मनोज नोट टू डिस्टर्ब हिम। इसमें हम यदि मना करने के लिए नोट का यूज न करना चाहें और फॉरबेड वर्ब से इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो ये सेंटेंस बनेगा द फादर फॉरबेड मनोज, नोट हट जाएगा, टू डिस्टर्ब हिम। जब हम फॉरबेड का यूज करेंगे तो नोट का यूज नहीं करना क्योंकि फॉरबेड का ऑलरेडी मीनिंग होता है मना करना, और यदि हम नोट का यूज करेंगे तो हम सिंपल आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस ही सेड टू टीचर सर काइंडली हेल्प मी। किस तरह से चेंज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को? तो इसमें रिक्वेस्ट का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है तो हम इस सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब को
रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ही रिक्वेस्टेड टीचर, कॉमास हट जाएंगे। इसके बाद हम इस सर वर्ड को हटा देंगे और इसकी जगह हम अपनी ओर से वर्ड जोड़ देंगे रिस्पेक्टफुली, ही रिक्वेस्टेड टीचर रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली का यूज करने के बाद हम सर वर्ड को हटा देंगे, काइंडली वर्ड भी इसमें से हट जाता है, प्लीज़ काइंडली जैसे वर्ड हटा देने हैं। अब हम कंजक्शन का यूज करेंगे, कंजक्शन आएगा टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म में ये बन जाएगा हिम। तो ये सेंटेंस बन गया, ही रिक्वेस्टेड टीचर रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम। इस तरह से आप भी इन दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अलग से याद रख के इम्पेरेटिव सेंटेंस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लेट वाले वाक्य। इंग्लिश में लेट वाले वाक्य मुख्यतः तीन तरह का सेंस कन्वे करते हैं। फर्स्ट, आई सेड टू स्टूडेंट्स लेट्स गो टू लाइब्रेरी। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लेट्स का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है हमें करना चाहिए। इससे हमें सजेशन या प्रपोजल का सेंस कन्वे होता है। सेकंड टाइप, जिसमें हम शी सेड लेट मी, इसमें हम ऑब्जेक्ट और लेट को अलग अलग लिखते हैं। लेट मी लिव विद हिम, मुझे उसके साथ रहने दो। तो इस तरह से लेट वाले सेंटेंस से हम विश या डिज़ायर एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड टाइप, स्टूडेंट सेड टू टीचर लेट मी गो होम, तो इसमें स्टूडेंट टीचर से घर जाने की परमिशन ले रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से लेट से हम तीन तरह की सेंस कन्वे कर सकते हैं। तो किस तरह से चेंज करेंगे हम इसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में? तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, जिसमें हम लेट्स का यूज करते हैं, इसमें प्रपोजल या सजेशंस होते हैं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज या सजेस्ट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। लेकिन प्रपोज और सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हमें टू लगाना पड़ता है, तो इसे हम लिखेंगे आई सेट टू, चेंज हो जाएगा प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, आई प्रपोज्ड स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से पहले हम टू लगा देंगे, टू स्टूडेंट्स। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हम सजेशन का सेंस कन्वे करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, दैट। उसके बाद हम सब्जेक्ट और शुड लिखते हैं, तो इसमें हम लेट हटा देते हैं, लेट के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है अस, अस से हम सब्जेक्ट बनाएंगे वी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है, तो इसे हम वी भी लिख सकते हैं और इसे हम दे की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब स्पीकर इसमें इन्वॉल्व होता है तो हम इसमें वी का यूज़ करते हैं, दैट वी। इसके बाद अपनी ओर से हम यूज़ करेंगे शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू लाइब्रेरी। इस तरह से हम लेट्स वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट या प्रपोज की फॉर्म में चेंज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें अपनी ओर से शुड का यूज करना है। सेकेंड टाइप के लेट वाले सेंटेंस, जैसा कि शी सेड लेट मी लीव विद हिम, तो ये उसकी विश या डिज़ायर को शो करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश या डिज़ायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, कंजक्शन सेम दैट का यूज़ करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हुए अपनी ओर से शुड का यूज़ करते हैं और लेट को
हटा देते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जैसे कि शी, इसके बाद ये सेट चेंज हो जाएगा विश्ड में, शी विश्ड, कंजक्शन का यूज होगा, दैट कॉमास हट जाएंगी, लेट को भी हम हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म दी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जब इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा शी, दैट शी। इसके बाद हम अपनी ओर से शुड का यूज़ करेंगे, शी शुड लिव विद हिम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, शी शुड लिव विद हिम। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम विश या डिज़ायर वर्ब का यूज करते हुए, दैट कंजक्शन लगाते हुए और शुड का यूज करते हुए लिख देते हैं। थर्ड टाइप का लेट वाला सेंटेंस, जिससे हमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस कन्वे होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सेड टू टीचर, लेट मी गो होम। तो इसमें स्टूडेंट टीचर से घर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्ट, ऑर्डर या आस्क की फॉर्म में। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ हम दैट का नहीं बल्कि कंजक्शन सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला यूज करेंगे, टू, और टू के बाद जनरल चेंज करते हुए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सेड टू, यहाँ चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में दिया है और ये रिक्वेस्ट का सेंस है, रिक्वेस्टेड टीचर, जोड़ने के लिए हम कंजक्शन यूज करेंगे टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट भी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लेट की तीनों फॉर्म लेटी होती है, टू लेट मी, मी फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम हिम या हर दोनों ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन जेंडर है, टू हिम और हर गो होम। तो इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंसेस को उसका सही सेंस आइडेंटिफाई करते हुए कि इसमें किस सेंस का यूज हुआ है, उस सेंस के अकॉर्डिंग इन तीन तरीकों से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। आइए अब चेंज करते हैं कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। आप भी अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए और अपने आंसर चेक कीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले द टीचर के बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, तो यहाँ पे एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज़ कर लेंगे आस्क, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हुए यूज करेंगे, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर सेड टू मी डोंट सिट आइडल। तो ये एक फादर का अपने बेटे के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फादर सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क मी, आस्क्ड मी, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो टू से पहले हम नोट लगा देंगे, नोट टू, डोंट हट जाएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस लिख देंगे, टू सिट आइडल, माय फादर आस्क मी नोट टू सिट आइडल। इस सेंटेंस को हम फॉरबेड का यूज करते हुए भी लिख सकते हैं, माय फादर फॉरबेड
मी टू सिट आइडल। तो इन सेंटेंसेस से हम मना का कंसेप्ट कन्वे करते हैं। थर्ड सेंटेंस, शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो इसमें हम रिक्वेस्ट को शो कर रहे हैं, लेकिन रिक्वेस्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हमने एक्स्ट्रा डू का यूज किया है। इसके बाद ऑलरेडी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो इसे भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेड टू, तो सेड टू यहाँ चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में, क्योंकि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन यूज़ करेंगे टू। तो ऐसे जब हमें डू का एक्स्ट्रा यूज दिया होता है इस रिक्वेस्ट को इम्फेसाइज करने के लिए, दबाव देने के लिए, तो हम डू को हटा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस लिख देंगे, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू चिल्ड्रन लेट्स प्ले टुगेदर। तो ये सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड टू, तो यहाँ पे सेड टू लेट्स वाले सेंटेंसेस में सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज हो जाता है। आई प्रपोज्ड, ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा, टू चिल्ड्रन, इसके बाद हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे दैट। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है, अस, अस से सब्जेक्ट बनता है वी, और हम यहाँ पे दे सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दैट वी और दे अपनी ओर से यूज़ करेंगे शुड। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले टुगेदर। इस तरह से हम लेट्स वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। लास्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू पियन लेट द मैन कम इन। तो ये सेंटेंस भी लेट से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये लेट के बाद ऑर्डर का सेंस दे रहा है। यहाँ पे लेट से हमें प्रपोजल या सजेशन का सेंस मिल रहा था। इस सेंटेंस को किस तरह से चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू, सेट टू यहाँ पे चेंज हो जाएगी ordered पियन। इसके बाद हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट द मैन कम इन। तो इस तरह से हम इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। आप भी अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना के देखें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टार्ट इंग्लिश चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।